शीरम स्रवन्तो द्रुतम स्रवन्तो मधुरम स्रवन्तो मन्ता स्रवन्ता स्वस्ती क्रियासु परमशयो परमसी सती मंगल विधानम परि पुष्पांजलि अभी करवाना है बोले वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव देवनंदी जी महाराज की जय आचार्य संघ की जय। हम यहाँ बड़े भक्ति भाव से यहाँ वेदी प्रतिष्ठा संपन्न करने जा रहे हैं। हम सुबह के सत्र में जिन आज्ञा की हेलो जी सभी इंद्र चले थे जिन आज्ञा के लिए मंदिर में आज्ञा दी जिनेन्द्र देव से कि हमें सानंद संपन्न करना है वेदी प्रतिष्ठा। उसके बाद गुरु आज्ञा होती है। हमने परोक्ष रूप से परम पूज्य गुरुदेव से भी आज्ञा ली है वैसे प्रतिष्ठा की थी तब गुरुदेव के आदेश से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब गुरुदेव के भी आज्ञा है इस कार्यक्रम के लिए। फिर आता है आचार्य निमंत्रण। आचार्य निमंत्रण माने जिसके सानिध्य में जिसके माध्यम से ये मंत्रोच्चारण के साथ ये विधि विधान संपन्न होता है जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं उनका निमंत्रण जो हमने सुदूर से इस कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए बुलाए हैं उनका सम्मान करना उनका समुचित व्यवस्थित सम्मान करना इसे कहते हैं आचार्य निमंत्रण। तो हमारे बीच में अकोला निवासी आदरणीय पंडित जी तो क्या हम मामा जी बोलते हैं पंडित जी वैसे चिर परिचित है आपसे बहुत जगह कार्यक्रम किए हैं। ऐसे हमारे श्रीमान पंडित श्री शांतिलाल जी भूमा साहब वे हमारे बीच इस कार्यक्रम कराने के लिए विधि विधान से विधिवत कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आए हैं और हमारा इस समाज का कर्तव्य बनता है कि उन्हें सम्मानित किया जाए। वो आचार निमंत्रण के लिए आएंगे समाज से सृष्टिगण आएंगे और इन्हें विधिवत आचार निमंत्रण करके आइए। या ठिकाणी आचार्य प्रतिष्ठाचार्य माननीय शांतिलालजी पंडितजी भीमावत यांना इथे व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। त्यांचे या ठिकाणी माझे वडील केशवनाथजी डोंगरे त्यांना इनके माथे पे तिलक लगाओ इनके गले में माला डालो यह संस्कृति जय धर्मति इनके स्वागत में ताली बजाओ इनके सम्मान में ताली हमारे समाज के कई से रत्न थे जो पूरे हिंदुस्तान में विधि विधान से प्रतिष्ठा करवाते थे और आचार्य भगवंत देवनंद जी महाराज के परम शिष्य ऋषभ भैया शास्त्री वो हमारे गांव के भांजे थे और ये जितने बच्चे हमारे पास देवनंद जी कलामंच के आए हैं वो सभी उनके साथ में रहते थे और हम भी उनके साथ में कई बार कार्यक्रम किए हैं। तो ऋषभ जी हरदम मामा जी बोलते थे हमारे तीनों भांजे अभी यहाँ पर है हरदम जी भी मामा जी बोलते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कैसे सभी ये भी एक छोटे से गांव चारठाना गांव के रहने वाले हैं लेकिन इन्होंने भी ऋषभ जी पंडित जी साथ में करीबन इन्होंने भी पूरे हिंदुस्तान में
छोटे मोटे 400 से 500 कार्यक्रम ये कर चुके हैं, इनकी कला दिखा चुके हैं। आप सबको जानकर खुशी होगा, इन लोगों ने भी बेड़ा उठाया कि गांव में मंदिर बनवाना है, तो चार थाना में इन्होंने अपने कंधों पे वजन लेते हुए चार थाना में मंदिर बनवाया। ये अलग बात है कि हर आदमी अपने अपने कार्य में कितना सक्षम है नहीं है, लेकिन इन बच्चों में एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है। मैं कहूँगा ये समाज के हमारे गौरव हैं, यहाँ भी जाते हैं इनको कलामंच के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन कभी भी कलामंच के नाम से एक हफ्ते इससे जाता था आप लोगों की सेवा में पूजा द्रव्य थल लगाना करना, कला करवाना, नृत्य सिखाना बच्चों को, मतलब थाली भी लगाना थाली उठाना तो काम ही कर लेते हैं। मतलब कभी इनके मुंह से कोई शब्द आपको कभी ना सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे छोटा बोले बच्चा बोले, कभी ऐसा शब्द सुनने नहीं मिलेगा जिससे किसी मन दुख जाए। इतने हमारे तीनों कलाकार, मैं तो बोलता हूँ मुझे तो काफ़ी इन पर गर्व है। हमारे समाज को इन नाज होना चाहिए कि ऐसे होनहार बच्चे जो हमारे धर्म की लाइन पे चलकर धर्म की ध्वजा को आसमान पे ऊंचाई पे पहुंचा रहे। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करते हैं। सबसे पहले सतीश भैया आएंगे और आपसे बड़ा मेरा करता है यह मौका हमको कभी कभी मिलता है यह मौका हमको कभी कभी मिलता है हमको कला हमको कभी कभी मिलता है यह मौका। अगर कहीं प्रतिष्ठाचार्य ने जाए तो ये अगर एक कुर्सी पे बैठ गया तो पूरी प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, इतनी इनमें खूबी है, लेकिन कभी भी उसका उनको स्वाभिमान नहीं होता। मैं खुद उनके साथ में जाता हूँ, साथ में रहते हैं, देखा उनकी विधि विधान पूरी करा सकते हो। ऐसे ये सभी मतलब अपने समाज का गौरव, एक भी इस मंच पर अपने बाहर से किसी सभी जैन को ही बुलाया, सारे सारे जैन है। आई सत्कार स्वागत विनंती करतो अनिल भाई स्वागत करते सर्वांनी गजरात करते हैं जी गुणगान करते हैं जी गुणगान काम छोड़ाए आभार आपका करते हैं जी गुणगान करते हैं जी गुणगान स्वागत है आपका हर काम छोड़ आए सन्नत भैया। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं सभी, आप चाहो उसी रोल में देख सकते हैं इनको, इतने कलाकार हैं। इनका दीप नृत्य, कांच के टुकड़ों पे नृत्य, तलवार पे नृत्य, पूरे हिंदुस्तान में इनकी कला की तारीफ की जाती है और वास्तविक हमारे समाज के गौरव है, इनका भी सम्मान और आदर करें। त्यानंतर अनिल भैया पांडे हे आई भैयांचं स्वागत आणि सत्कार करतील। सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात या सर्व महानुभाव व्यक्तींचं स्वागत आपण सर्वांनी बसल्या ठिकाणी करावी। शेरपुर मालेगांव से पधारे हुए रोहन भैया, आपके औरंगाबाद से इंजीनियरिंग मैकेनिक इंजीनियर की डिग्री कर रहे हैं। कल हमारी इनसे बात हुई, उनका मैं मैकेनिक इंजीनियर बन भी जाऊंगा, लेकिन भगवान की भक्ति में हरदम कोई भी बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। मुझे इंजीनियरिंग से कोई शौक नहीं इतना, लेकिन भगवान ये अपने पिछले जब शिक्षा चक्र विधान किया था पेड़ मास्टर भी है, पेड़ बजाते हैं, लेकिन अभी हमने उसी गांव में कार्यक्रम साथ में किया, मतलब तुमको चलना है तो बोले हाँ पंडित जी मैं आऊँगा, और हमारे बीच वो भी यहाँ पे पधार है और आप सबकी सेवा में कार्यरत है। सम्मान करें इनका तालियों से। तालियों से सम्मान।
कृपया व्यासपीठ रोहन उखळकर रोहन उखळकर भूतारे भाई सारे भाऊ माइक बंद हो गया तुम्हारा। अरे भैया ओ भैया को तिलक लगाओ, भैया ओ भैया को तिलक लगाओ, आप इनके सम्मान में ताली बजाओ, आप इनके सम्मान में ताली बजाओ, भैया ओ भैया को तिलक कि रंजन गांव में बेदी प्रतिष्ठा करना है, तो हमारे साथ में हमारे संजय भैया आने वाले थे जो हमारे मंदिर में कार्यरत हैं, लेकिन वो एक स्कूल में पियोन का काम करते हैं और उनके अध्यक्ष को उनकी वाइफ अध्यक्ष हैं और उनके मित्र को लकवा हो गया, तो उनको वहीं पर रुकना पड़ा कि उनकी सेवा में उनको लगा दिया गया। तो मेरे सामने एक समस्या खड़ी होगी, मैं किसको लेके जाऊं, और मैंने कम से कम 8-10 फोन लगाए, कोई मेरे को एक सहयोगी मिल जाए कि मैं वहां पर लेके जाऊं कि अपने काम को सुचारू रूप से चला दिया जाए, कोई नहीं बोला। तो मैंने मेरे पोते को तैयार किया, मेरे बड़े लड़के का लड़का हर्ष जैन, इसने बोला दादाजी मैं आपके साथ चलूँगा और वहाँ का जैसा भी जो भी कार्य मैं करने के लिए मुझे लेके जाओ, और मैं अपने पोते को साथ में लेके आऊँ, आपके बीच आ रहे हैं। हर्ष जैन यांनी व्यासपीठावर येते प्रमोद कुमार जी उखळकर हर्ष जैन भक्ति से प्रभु के भक्ति से हम तुम भक्ति से गुरु की भक्ति से जइयो कभी हमसे दूर, अरे ये बंधन है प्यार का प्रभु की भक्ति से गुरु की भक्ति से जइयो कभी ना दूर। जाने पहचाने संजय जी फुसले, जिनकी आवाज से हम सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। पिछली बार भी ये दोनों जोड़ी यहाँ आई थी और सीधा चक्र विधान को हमने सफल करवाया था। अब इनके इनको मैं आमंत्रित हूँ, संजय भैया फुरसुले मुलगांव निवासी हैं, आकोड़ के बाद हमारे आकोला के जवाई हैं, उनको मैं निवेदन करूँगा वे भी आए मंच पर और अपना सत्कार। त्यांनी आमच्याकडून भरपूर अशी भक्ती करून घेतली, असे संगीतकार श्री संजयजी फुरसुले यांचं स्वागत या ठिकाणी महावीर मांडवकर हे करतील। सर्वांनी काळ्याच्या गजरात या मीना भी हमारे अकोला में हनुमंत साहब की लड़की है, बचपन से इसको जानते हैं, इसके पप्पा को 2 बेटियां, ये बेटा नहीं है, और अभी 3 बेटियां हैं, और इनके पप्पा अभी अंतरिक्ष पार्टनर शिवपुर के अंदर कार्यरत हैं। शरीर से थक चुके हैं लेकिन फिर भी बच्चों के किसी के नाम से मोहताज नहीं, अपने स्वयं का काम खुद करते हैं, माता पिता दोनों अंतरिक्ष पार्टनर शिवपुर में कार्यरत हैं और अपना जीवन वहाँ चलाते हैं। अब अपने को जो पेड़ की धुन सुना रहे हैं एक बार शंखनाद कर दें आप अपने नाम से ही, पेड़ वाले भैया। मैं समय हूँ तो आइए इनका भी स्वागत करेंगे साईं समाज।
कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी पंचलान प्रतिष्ठा महोत्सव होती है, निधि प्रतिष्ठा होती है, चतुर्मास होते हैं, तो गोंदिया एक ऐसा गांव है वहाँ कभी भी फोन करो तो वहाँ से कभी ना जवाब नहीं आता, वहाँ के कर्मचारी आगे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और उनको कोई भी काम बता दो कभी नकारा नहीं होता है। ऐसे हमारे तीनों गोंदिया से आए हुए कलाकार आ जाओ तीनों, उनको उनके सम्मान में ताली बजा दो। कभी भी किसी काम के डे एंड नाइट 24 आवर्स काम करते हैं। मंडपात या मंडपात यानंतर कार्यक्रमाची या इथे व्यवस्थेची सर्व धुरा आपल्या कार्यावर सांभाळली। सर्वांना विनंती करतो की टाळ्यांच्या गजरात या तिन्ही कार्यकर्त्यांचं स्वागत करायचं आहे आणि नानांना विनंती करतो की त्यांचंही स्वागत सत्कार त्यांनी करायचं। आचार्य निमंत्रण सभी को हो जाता है लेकिन अपने समय के अभाव से थोड़ा सा मैं आपसे एक निवेदन करूंगी। आचार्य निमंत्रण क्यों होता है? आचार्य निमंत्रण इसलिए होता है कि जहाँ बड़े बड़े आचार्य भगवंत मंच पे रहते हैं और आचार्य भगवंत की आज्ञा से हम लोगों को बुलाया जाता है तो उस समय जो प्रतिष्ठा महोत्सव आपको संभालना है आप जब बोलेंगे जब हम प्रवचन करने आएंगे, मतलब तो महाराज भी ये चाहते हैं कि आपका समय खराब नहीं हो, तो आप जब भी आपकी विधि विधान के अंतर्गत जब भी हमारा काम पड़े उस टाइम पे हमको बुला लिया करो, नहीं हमारे कमरे में हम हमारा स्वास्थ्य और आत्मकल्याण करते रहेंगे। इसलिए आज से ये बागडोर सवेरे से मेरे हाथ में दी गई है। मैं आप सबसे ऊपर बैठे इंद्र महाराज बातें नहीं करेंगे, कोई भी सुन ले दो मिनट, बातों बातों में जिंदगी निकल गई करते रह जाओगे। रियल में है क्या ये आचार्य निमंत्रण कपड़े देना लेना पैसे लेना ये कोई विशेष बात नहीं होती है, इसमें विशेष बात ये होती है कि पाँच पाँच सात सात दिन दस दिन दिन का एक कार्यक्रम रहता और माइक पे हम लोग रहते, आप सिर्फ सुनने का काम करते, तो इसलिए वो हमका सम्मान करके आज की जवाबदारी हमारे कंधों पे डाली जाती है कि हमारा पूरा विधि विधान समय पे और निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए हमको यहाँ बैठा जाता है और इसके लिए हमको कभी कभी कड़क भी बोलना पड़ता है। वो कड़क इसलिए बोलना पड़ता है कि हमारी मजबूरी होती है कि जैसे वास्तु विधान नहीं करवाया जाए और हम अगर वेदी प्रतिष्ठा करके चले जाते तो आपको नहीं मालूम था वास्तु विधान करना पड़ता है, लेकिन जो इस गादी पे बैठता है उसका कर्तव्य बनता है कि जब अगर नया मंदिर बना है नई प्रतिष्ठा हो रही है तो उस स्थान की पूरी विधि विधान से कार्य होना चाहिए। इसलिए प्रातः में हम लेट हुए, इसलिए मैं आप सबको आज का पहला दिन है तो क्षमा, जो कल का आखिरी दिन है
लेकिन मैं ठोले साहब से कहूंगी अपने विमान के चक्कों में पूरी हवा भरा ले। दोपहर के टाइम में उन्हें ही बोला था मैं जल्दी आऊंगा, हमने बुलाया 1:45 बजे, वो आए 2:30 बजे। बगैर सो धर्मेंद्र के दरबार लगता नहीं है। ये 2.5 दिन की जो प्रतिष्ठा है, 5 दिन की प्रतिष्ठा होती है, इसमें लाखों ने करोड़ों में बोलियां जाती हैं, लेकिन वो करोड़ रुपया इसलिए नहीं देते कि मेरे पास पैसा है कि मैं दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा है कि सौ धर्म इंद्र कौन होता मालूम है क्या? ये जो 5 इंद्र प्रति इंद्र है, ये सब एक भवावतारी होते हैं। जैन धर्म के अगर स्वाध्याय करने वाले मालूम होते, एक भवावतारी का मतलब मालूम है क्या? अगले भव में नियम से ही निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं, नियम से। पैसे दिए कोई मायने नहीं रखता। और ये भाव इनके मन में आया कि भगवान मैं सौधर्मेंद्र बनकर भी आपकी, मतलब मैं बनावटी हूं, सौधर्मेंद्र असली नहीं हूं, तो भगवान भी बनावटी असली नहीं है, ध्यान रखना। इनको भी बनाने वाले हम ही है, इनको भी हमने, लेकिन स्थापना निक्षेप की अपेक्षा दोनों है, तो निमित नैमित्तिक संबंध में अगर दोनों के भाव जुड़ जाए, इनका उपादान झगड़ा और भगवान की मूर्ति का अगर मान लो निमित मिल जाए, तो नियम से निर्माण हो जाएगा, अगले भाव में संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। तो भगवान ने आपको लक्ष्मी दिया है और उस लक्ष्मी का आपने सदुपयोग किया है, तो समय का सदुपयोग कर ले, इतना मेरा कहना है। पैसे कोई मायने नहीं रखते। अगर आप समय पे आओ, पहले दिन से बोला जितने भी मानुभाव है, समय पे आओगे तो पूरी विधि विधान भी देखने मिलेगा, उतना ही पुण्य बंद होगा, और खाने पीने और भोगों में पड़े रहोगे, तो समय तुम्हारा 2.5 दिन का जो है ना, 2.5 मिनट के साथ बीत जाएगा, और पैसा पानी की तरह जाएगा, लेकिन उसका पुण्य बंद अधूरा होगा। पैसा लगाया है, मेहनत किया, खून पसीना करके हमने अगर कमाया है, और उसको हमने सही जगह लगाया है, तो बस सही उसका उपयोग ले लेना। इसी भावना से मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल से समय पे आए। अभी हम आज, अभी हमारी करीब 3:15 बज गई है, हमने कलाकारों को भी बुलाया है, अपने बच्चियों को भी तैयार किया है, तो समय की मर्यादा रात में बंधी हुई है, समय की मर्यादा है, इसलिए जितना कार्यक्रम देते हैं अधिक से अधिक देने का कार्यक्रम करेंगे। और अभी हम समूचे देश शास्त्र गुरु की पूजन करेंगे, सभी सावधान हो जाएंगे, इंद्र महाराज खड़े हो जाएंगे समुच्चय पूजन के लिए, स्थापना के लिए खड़े हो जाइए सावधान, पंडाल में के लोग भी थोड़े सावधान। महेंद्र अपनी सची इंद्रानी के पधार रहे हैं, विद्यमान विसंति त्रिसमानंतान सिद्ध ब्रह्म अत्र अवतरत सम्मुष्टावानम जय हो जय हो जय हो। सभी जीते नीचे खड़े एक हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय हो जय हो, आवाज आनी चाहिए। जैसे सरकार से कुछ बात असर कसर दी नहीं, घीतल्या शिवा रात नहीं, वैसे भगवान से मांग रहे क्या? मोक्ष मांग रहे। ओम ऋषि देश समूह अत्र तिष्ठ सापनम जय हो जय हो जय हो। जो नहीं बोलेगा जीवन नहीं मिलेगी अगले भव में। अत्र मम सन्निधौ सति रम पूजनम बैठ जाओ थक गए बस आप।
विद्यमान विसंति तीर्थंकर भयो अनंतान सिद्ध परमेश्वर भयो जन्म जरा मृत्यु विनाशय जलम निवांति भवाता पमितावन की नित मेरी शास्त्र गुरु को गाओ विद्यमान की सती संकट सिद्ध प्रभु की गुण गाओ संसार ताप का नाश करूं मैं मुक्ति जित होगी प्रभु जी अपना खटके के संसार संसार चंदनी विद्यमान अक्षय पद को प्राप्त करूं मैं मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी अपना पटके के संसार में अब अपनी हो अपनी खबर हमें हो साउंड वाले भैया बैटरी डाउन हो रही है डालो आवाज कट रही हमारे सब टूट रहे हैं तीर्था निज में पाने को सीधी वो शास्त्र गुरु को जाऊ विद्यमान की सती संकट सिद्ध प्रभु के गुण गाऊ पावन का नाश करूं मैं मोहंत काल विनाशनाय दीपं दीपांति अक्षय पत्ते अक्षय देव काम बाणिताय पुष्प दीपांति षडरस मिश्रित भोजन से भूगन मेरी शांत हुई आत्मरस अनुपम जगने से इंद्रिय परीक्षा शमन हुई तन को सीखी वो शास्त्र गुरु को गा विद्यमान की सती संकट की तब भोगे गुण गाओ शुदा रोग का नाश करो मैं प्रभु जी अपना पटकेंगे संसार में अब अपनी हो अपनी खबर हमें हो जड़ी विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियार जिन गुण दर्शाय ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधेर मोहन का अभ्यास है अष्ट कर्म का नाश करूं अष्ट कर्म का नाश करूं मैं मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी अपना पटकेंगे संसार में अब होगी विद्वान भी संतित अनंता सिद्ध भ्रष्ट कर्म दया धूप दीपांति पिस्ता बादाम सीप लवण चमेली
जिसको भक्ति करना है वो आ जाओ। देव शास गुरु सिद्ध प्रभु कर दिया कमाल।